रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के वाक्य। मंदिर जाने के बहाने मैं तुमसे मिलने आई, कोल्ड ड्रिंक पीने के बहाने उसने मुझे शराब पिलाई, पैसे देने के बहाने वो मेरे घर आया। चलिए अब हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के नियम देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को लिख देंगे हम, सेंटेंस चाहे वो पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट या फ्यूचर में। उसके बाद ऑन द प्रीटेक्स ऑफ, जिसका मतलब होता है के बहाने। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मंदिर जाने के बहाने मैं तुमसे मिलने आई। आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स ऑफ गोइंग टू टेम्पल। कोल्ड ड्रिंक पीने के बहाने उसने मुझे दारू पिलाई, ही मेड मी ड्रिंक वाइन प्रीटेक्स ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। मैं किताब देने के बहाने उससे मिला, आई मेट हर ऑन द प्रीटेक्स ऑफ गिविंग बुक। कॉलेज जाने के बहाने वो मूवी देखने गई थी, शी वेंट टू वॉच मूवी ऑन द प्रीटेक्स ऑफ गोइंग टू कॉलेज। अब आप इसे खुद बनाएं। चीनी मांगने के बहाने वो मेरे घर आता है, वो बाजार जाने के बहाने रेखा से मिलने जाता है, वो बाथरूम जाने के बहाने सिगरेट पीने जाता है।